अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक लेटर प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए और थोड़ी सी डिफरेंट है टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स के लिहाज से। क्वेश्चन कुछ इस किस्म का है। एक 15 मीटर की लेडर है, 15 मीटर लेडर, ठीक है, ये आ गई लेडर की लेंथ 15 मीटर, और उसका जो अपना वेट है, लेडर का जो वेट है वो है 600 न्यूटन। तो जब हम सबसे पहले डेटा बनाना शुरू करते हैं, साथ साथ देखते रहते हैं क्या चीज़ किसके बराबर है। पहली बात यह है कि हमें जो है वो लेंथ ऑफ लेडर गिवन है, लेडर की लेंथ, लेट से उसको ए बी के बराबर सपोज करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस, और वो है बराबर 15 मीटर के। इसी तरीके से उसका वेट गिवन है तो उसको कर देंगे W1, वेट ऑफ लेडर, ये कितना है, ये है 600 न्यूटन। रेस्ट अलोंग अ स्मूथ वॉल, एक दीवार के साथ रेस्ट में है, ठीक है, एट अ पॉइंट 12 मीटर अबव द ग्राउंड। तो सीढ़ी को जब दीवार से लगाया जाता है तो थोड़ा सा ऊपर दीवार से टिकी हुई होती है ना, तो कितने डिस्टेंस ऊपर टिकी हुई है, तो वो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर 12 मीटर के बराबर। तो उसको कर देते हैं किसके बराबर, इसको कर देते हैं डिस्टेंस, ये ए से बी तक का डिस्टेंस था। तो मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे है, फिगर साथ साथ ड्रॉ करते रहते हैं। ये आ गई हमारे पास एक स्मूथ वर्टिकल वॉल, ठीक है, ये स्मूथ वर्टिकल वॉल है इस तरीके से यहाँ तक, और ये आ गया हमारे पास ग्राउंड। जो लैडर है वो इस तरीके से है यहाँ से लेके यहाँ तक, और लैडर की लेंथ मैंने कही है ए बी, तो लैडर की लेंथ ए बी हो जाएगी। और ये कोई पॉइंट होगा, इसको कर देते हैं पॉइंट डी, ठीक है जी, ये पॉइंट डी कर देते हैं। तो बी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, बी से डी तक का डिस्टेंस जो है हमें गिवन है, वो है 12 मीटर के बराबर, कि इतनी ऊपर जो है वो हमने दीवार से टिकाई हुई है सीढ़ी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैडर इज़ 1/3 द वे अप, ठीक है, 1/3 है, दरमियान में नहीं है, 1/3 है, 1/3 समझ तो ना, 1/3 हो जाएगा, यानी कि अगर तीन बराबर के हिस्से करें इस सीढ़ी के, तो एक हिस्से तक जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। तो लेट से वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये आधा तीन हिस्से हो जाएंगे, 1, 2, तो इतना कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास पॉइंट सी, जो कि आपने याद रखना है कि वो कितना डिस्टेंस है, वो है 1/3। तो एक बात है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 15 है, तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है 1/3 ऑफ ए बी, 1/3 ऑफ ए बी हो जाएगा 15/3, 5 मीटर्स। ए से सी तक का डिस्टेंस भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ओके, मैन वेइंग, एक दूसरा एक शख्स है जिसका वेट हमें गिवन है, दूसरा वेट हो जाएगा ये, और उसका वज़न है उस शख्स का 400 न्यूटन, और वो ऊपर चढ़ जाता है इसके ऊपर सीढ़ी के ऊपर, वो कहाँ तक पहुँच जाता है, हाफ पहुँच जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसका एक डिस्टेंस है, उसको नोट कर लेते हैं, पॉइंट का नाम देते हैं, लेट से वो यहाँ तक आ गया, ये वो पॉइंट है, तो ए बी सी डी इसको ई कर देते हैं, ये ई पॉइंट तक आ गया है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ए से लेके ई तक का फासला कितना होगा, ए से लेके ई तक का फासला गिवन है हाफ वे ऑफ द लेडर, यानी कि लेडर की जो लेंथ है उसके हाफ तक होगा, तो ए बी का आधा करेंगे 15/2, ये हो जाएगा 7.5 मीटर्स, ठीक है जी। अज्यूमिंग द वॉल इज स्मूथ, अज्यूम करें कि वॉल स्मूथ है, तो हमें रिएक्शन मालूम करना है ग्राउंड का वॉल के ऊपर, ठीक है ना, कि कितना जो है वो रिएक्शन है जो अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, टोटल रिएक्शन बताना है हमें, ठीक है ना। फाइंड द रिएक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड एंड द वॉल, वॉल के ऊपर, ठीक है ना, एंड द ग्राउंड है, ये ऑन द वॉल हो गया, एंड द वॉल, दोनों का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि उस नॉर्मल रिएक्शन को हमने आर का नाम दिया है, जो कि दो फोर्सेस हैं उनको देख के जो है ना सॉल्व हो जाएगा। पहली बात, यहाँ पर जो नंबर ऑफ फोर्सेज है ना, पहला स्टेप यही होता है कि हमें सारी नंबर ऑफ फोर्सेज यहाँ पर लिख के रख लेनी होती हैं कि ये सारी फोर्सेज यहाँ पर एक्ट कर रही हैं। तो पहली फोर्स यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई होगी और वो होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसको एच से शो कर देते हैं। फिर यहाँ से ग्राउंड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा वर्टिकल, तो उसको वी का नाम दे दिया, वैसे उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस की वजह से, ताकि सिंपल से ही समझ जाओ कि एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है, ठीक है, ये हो गई दो फोर्सेस। फिर यहाँ पर दो फोर्सेस और हैं जो कि वेट वन और वेट टू है। सी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पर एक फोर्स थी, ये हो गई W1, और जो शख्स था उसका जो वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, वो हो जाएगा W2, ठीक है ना। अब जो वेट हैं जो हमारे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, ए बी सी डी ई, एफ फोर्स होगी, जी कर देते हैं, एच हो गया, ये हो जाएगा पॉइंट
जी हमारे पास, और इसको कर देंगे पॉइंट आई, ठीक है ना। ये पॉइंट दे दिए जहाँ पर जो है वो एक्सेस को कट कर रही है हमारी फोर्सेस, ताकि टॉर्क कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। तो चार फोर्सेस आ गए यहाँ पर, एच आ गया, वी आ गया, डब्ल्यू वन आ गया और डब्ल्यू टू आ गया। इंशाल्लाह इनसे जो है वो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने स्टेप नंबर वन किया, डेटा बनाया। डेटा बनाने के बाद जितनी फोर्सेज हैं, और आमतौर पर यही सारी फोर्सेज होती हैं, सिवाय एक फोर्स एक्स्ट्रा है जो दीवार इसके ऊपर, लैडर के ऊपर अप्लाई कर रही होगी, उसको फोर्स एफ से शो करेंगे, ठीक है। और वो अप्लाई तो इधर से हो रही होती है पॉइंट बी से, लेकिन याद रखो वो पूरी जो हमारी लैडर है ना उसकी लेंथ तक उस फोर्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रही होगी इस डायरेक्शन में, दीवार धक्का दे रही होगी, इस तरीके से धक्का दे रही होगी यहाँ पर पूरी की पूरी लैडर को, लेट से कौन से पॉइंट तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको कर देते हैं पॉइंट जे तक। पॉइंट जे तक जो है ये क्या कर रही है, उसको पुश कर रही है, क्योंकि ये मत समझो कि वो एक पॉइंट को धक्का दे रही है दीवार लैडर का, बल्कि वो पूरी की पूरी लैडर को ही धक्का दे रही होती है। तो ये आ गया डेटा हमारे सामने। अब वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे, और अगर आप लोगों ने नहीं भी कभी देखी लैडर प्रॉब्लम तो मैं आपको बताऊं, लैडर प्रॉब्लम बेसिकली कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के मुताबिक किसी बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का, एक्स एक्सिस में लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए और वाई का। तो पहला पार्ट तो ये आ गया कि एक्स एक्सिस में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम पता कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं ताकि सामने हो, इजी रहेगा। ये आ गई हमारे पास अगेन फिगर, देखने में ऐसा नहीं हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस पे देखो कितनी फोर्सेस लग रही है हमारे पास, एक्स एक्सिस में दो फोर्सेस लग रही हैं जो कि आपको क्लियरली नज़र आ रही है। एक तो फोर्स है एफ, ठीक है, एक यहाँ पर फोर्स आ गई, ये फोर्स एफ है जो इस तरफ लग रही है, ठीक है जी, और बाकी एच इस तरफ लग रही है। तो एक्स एक्सिस में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, इसका मतलब एच बराबर होना चाहिए एफ के, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, ठीक है ना। या फिर आप कर लो कि एच माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, वाई एक्सिस में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। देखो वाई एक्सिस में कितनी फोर्सेस हैं, टोटल पाँच हैं, दो एक्स में लग रही हैं, तीन वाई में लगती नज़र आ रही हैं। क्लियरली नज़र आ रहा है जो वर्टिकल फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, और वो बराबर होनी चाहिए दो फोर्सेस के जो डाउनवर्ड लग रही हैं, वो होनी चाहिए किसके सम के बराबर, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू के सम के बराबर। तभी जाके सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन वाई एक्सिस किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर, जब वी जो है वो डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू को बैलेंस करेगा। तो वी की वैल्यू तो आ जाएगी इजीली ना, डब्ल्यू वन था हमारे पास 600 और ये है 400, तो हो जाएगा 600 प्लस 400, वर्टिकल जो फोर्स है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है 1000 न्यूटन। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करके हमें कम से कम वी की वैल्यू मिल गई, एक फोर्स की वैल्यू मिल गई है, और वैसे हमें मालूम क्या करना है, हमें आर मालूम करना है, और आर जो है वो दो फोर्सेस के बराबर है। आर यकीनन जब हम मालूम करेंगे तो आएगा अंडर रूट दो फोर्सेस का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेना है, एक तो एच का और दूसरा वी का। तो एक्चुअली हमें एच और वी मालूम करना है, वी मालूम हो गया, अब एच के बारे में सोचना है कि एच किस तरह से मालूम करें। और मैं बताऊं, जब मैं कह रहा हूं कि ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल हैं, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने अप्लाई कर दी, अब बारी है सेकेंड कंडीशन को अप्लाई करने की। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि बॉडी पे लगने वाले तमाम के तमाम टॉर्क्स का सम कितना होना चाहिए, तमाम के तमाम टॉर्क्स का सम जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे टॉर्क्स को भी देखना पड़ेगा, टॉर्क किस तरीके से एक्ट कर रही हैं सारी की सारी, और कहाँ कहाँ टॉर्क्स हैं इनको देखना पड़ेगा। ये थी फोर्स एफ, तो याद रखो जितनी फोर्सेज उतने टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है, और एक हमें एक्सिस सपोज करना पड़ता है जिसके अराउंड जो है वो ये लैडर जो है वो रोटेट होती है। तो लोकेशन ऑफ एक्सिस हमारी चॉइस है, लोकेशन ऑफ एक्सिस मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस पॉइंट को, पॉइंट ए, टेकिंग एक्सिस एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे एक्सिस सपोज किया है, ठीक है ना। यानी सारे के सारे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क नापने के लिए नापे जाते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है ना, आर इंटू एफ या एफ इंटू डी वगैरह, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बता चुका हूँ, क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होती है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होती है। तो ध्यान रखना है कौन सी क्लॉकवाइज है कौन सी एंटी क्लॉकवाइज है। सबसे पहली बात, एच एक फोर्स है, उसका पॉइंट ए से फासला कितना है,
उसका पॉइंट ए से फासला ज़ीरो है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस एच इंटू ज़ीरो, फोर्स इंटू डिस्टेंस एच इंटू ज़ीरो आ गया। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास पहली। सेकेंड फोर्स सम कर रहे हैं, तमाम टॉर्क्स का सम कर रहे हैं। दूसरी जो फोर्स है वो वर्टिकल फोर्स है और वो भी पॉइंट ओ पर लग रही है, तो उसका कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो वो भी ज़ीरो हो गया। फिर यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं W1 और W2, जो कि क्लॉकवाइज है ना, ये कैसे क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती हैं दोनों की दोनों, इस तरीके से। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, तो इस टॉर्क को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो इधर ही माइनस का साइन लगा देते हैं, ईजी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस। और किसकी बात कर रहे हैं, W1, और W1 का फासला कितना है पॉइंट ए से परपेंडिकुलर, सीधा सीधा फासला वो है ए से जी के बराबर। ठीक है जी, ये आ गया। W2 भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा W2 इंटू W2 का फासला कितना है A से परपेंडिकुलर, सीधा सीधा, तो A से I तक का है, A से I तक का डिस्टेंस हो जाएगा। ये आ गई चारों फोर्सेस। अब पांचवी फोर्स जो कि क्लॉकवाइज लग रही है, ये F क्लॉकवाइज लग रही है इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज लग रही है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। F इंटू, और A से कितने फासले पर लग रही है, A से J फासले पर, सीधा सीधा फासला, और इन सब का सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया ज़ीरो हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा कि F इंटू ए और J था, A इंटू ए और ये है J, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर आ जाएगा, दोनों माइनस का दूसरी तरफ भेज दो, W1 इंटू ए जी और प्लस W2 इंटू ए आई, ठीक है ना, ये है। तो अभी प्रॉब्लम क्या आई हमारे सामने ना, अच्छा एक और बात मैं लिख देता हूँ, ए जे जो फासला है ना, क्लियरली फिगर में नज़र आ रहा है कि ए से लेके जे तक का जो डिस्टेंस है वो असल में बी से डी तक के डिस्टेंस के बराबर है, ए से जे तक का फासला बी से डी तक के डिस्टेंस के बराबर है। देयरफॉर इस इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, एफ इंटू बी डी, क्योंकि बी से डी तक का फासला में आता है पता है, इज इक्वल टू डब्ल्यू वन इंटू ए जी और प्लस डब्ल्यू टू इंटू ए आई। ठीक है, अभी हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर वन। और अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मालूम हमें F करना है ना, ठीक है, हमें F मालूम करना है, यहाँ से F की मदद से H आ जाएगा इजीली, V तो आ ही चुका है, F मालूम करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से H आ जाएगा, V तो ऑलरेडी आया हुआ है, और H और V के जरिए जो है टोटल फोर्स निकल आएगी। तो इसके लिए हमें BD पता होना चाहिए, पता है, W1 पता होना चाहिए, AG नहीं पता और AI नहीं पता। AG और AI के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ही ईजिली कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी, कैसे इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हमें ये एंगल पता होना चाहिए कि एंगल कितना बन रहा है, एंगल पता होगा तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। एंगल ये क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मालूम है ए से बी तक का फासला और बी से डी तक का फासला, यानी हमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर पता है, और हम बेस मालूम करना चाह रहे हैं। तो एज वी नो दैट पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, तो अगर बेस की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने, यानी कि ए से बी तक का फासला, लैडर की अपनी लंबाई, लैडर की अपनी लंबाई है बराबर 15 मीटर के, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड, बी से डी तक का फासला, और बी से डी तक का फासला जो है वो 12 के बराबर था, बी से डी तक का फासला जो है 12 के बराबर है, तो इससे हमें बेस की वैल्यू मिल जाएगी। और बेस जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, बेस हमारे पास बराबर है ए से डी तक के फासले के, ठीक है ना, इसके ज़रिए जो है ना हम इजीली मालूम कर लेंगे, ये बेस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 81, और 81 का रूट लेंगे तो बराबर होता है 9 के, तो ए से डी तक का फासला हमारे पास बराबर आ गया 9 मीटर्स के। तो अब थीटा मालूम कर लो, थीटा कैसे मालूम कर लो, सारी साइड्स तो पता है, तो ईजिली अगर फॉर एग्जाम्पल टेन थीटा के ज़रिए निकालते हैं, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 12, बेस आया है 9, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया 1.33, और ये 10 थीटा का आंसर है ना 1.33, और क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए 10 इनवर्स 1.33 करना पड़ेगा, तो शिफ्ट 10 इनवर्स 1.33 इट इज़ इक्वल टू 53, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास एंगल। जब एंगल आ गया हमारे पास 53, अब इजीली इसकी मदद से जो है ना हम लोग ट्राइंगल सॉल्व कर सकते हैं, और वो जो दो ट्राइंगल है ना उनको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं, सबसे पहले आप ट्राइंगल देखोगे
इन ट्राइंगल ए सी जी, ट्राइंगल ए सी जी या ए जी सी देख लो, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला हमें पता है थीटा के बराबर है, तो इस्तेमाल बेस मालूम करनी है। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, बेस है ए से जी तक का फासला छोटे ट्राइंगल में, और हाइपोटन्यूज 90 डिग्री के सामने ए से सी तक का फासला। ए से सी तक का फासला हमें ऑलरेडी मालूम था 5 मीटर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, और ए से जी फासला बेसिकली हमें मालूम करना है। और कॉस कितना चाहिए, कॉस चाहिए हमें 53 का, कॉस 53 इज इक्वल टू ए जी डिवाइड बाय 5, तो कॉस 53, कॉस 53 हो जाएगा 0.6 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 3 के बराबर। ए से जी तक का फासला 3 मीटर के बराबर आ गया, ठीक है। अब दूसरा फासला रह गया, दो प्रॉब्लम थी ना, एक प्रॉब्लम थी ए जी नहीं पता, एक प्रॉब्लम था ए आई नहीं पता। ए आई देखो किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, इन ट्राइंगल ए ई आई कर लो, इस ट्राइंगल में भी हमें बेस की वैल्यू चाहिए, तो अगेन वही बात है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, इस मरतबा जो बेस है वो ए आई है डिवाइडेड बाय हाइपोटन्यूज 90 डिग्री के सामने, ए से ई तक का फासला, ए से ई तक का फासला कितना था, ए से ई तक का फासला 7.5 था, सही जवाब, तो ये आ गया 7.5। अगेन वही कॉस 53 इंटू 7.5 ए आई आ जाएगा, इधर लिख देंगे ए आई, ए से आई तक का फासला कितना बना, ये आ जाएगा 53 कॉस 53 इंटू कितना बना 7.5, इट इज़ इक्वल टू 4.5 meters, ठीक है। ये आ गए डिस्टेंसेस, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब चलते हैं वापस अपनी इक्वेशन नंबर 1 की तरफ, एफ इंटू बी डी, एफ इंटू बी डी, बी से डी तक का फासला, बी से डी तक का फासला 12 है, 12 मीटर इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या क्या लिखा हुआ था, W1 इंटू ए जी, डब्ल्यू वन कितना है, W1 है हमारे पास 600, 600 इंटू ए जी, 600 इंटू ए से जी तक का फासला 3 है, फिर प्लस 400 इंटू 4.5, कैलकुलेशन कर लेते हैं, F इज इक्वल टू 600 इंटू 3 1800 आ गया, और फिर कर लेंगे 400 इंटू 4.5, इट इज़ इक्वल टू 3600 और डिवाइडेड बाय 12, 3600 डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा हमारे पास 300। जब फोर्स हमारे पास 300 न्यूटन के बराबर आ गई है, तो ऑलरेडी ऊपर जाते हैं एफ में, लेट से इसको इक्वेशन ए कर देते हैं, इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट एच जो है वो एफ के बराबर होगा, और एफ कितना आया है, एफ बराबर आया है 300 न्यूटन के, तो फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमें जो रिएक्शन मालूम करना था नॉर्मल रिएक्शन, वो दो चीज़ों को ऐड करके आएगा जो दोनों परपेंडिकुलर हैं, इस वजह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। H की वैल्यू आई है 300, इसका करेंगे स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर, V ऑलरेडी हमारे पास कितना आया था 1000, 300 का स्क्वायर इंटू 1000 का स्क्वायर पूरा, 300 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर, और फिर इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1044 न्यूटन, R इज इक्वल टू 1044 न्यूटन, ठीक है। तो ये रिएक्शन है जो कि टोटल रिएक्शन होगा H और V दोनों को मिला के, दैट्स ऑल, आई होप यू गेट द आंसर।